अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से रखे, और मेरी तरफ़ से आपको ईद उल अज़हा मुबारक बहुत बहुत। और आपको पता है कि हमारे घरों में जैसे कुर्बानी होती है तो बहुत खुशी होती है, और बकरा ईद हो या छोटी ईद हो तो मेहंदी जो है ना वो हमने लगवानी होती है ख़वातीन की। एक समझे आप, ये रवायत है हमारे घरों में कि हम लड़कियाँ ख़वातीन मेहंदी लगाती हैं और नए नए कपड़े बनवाती हैं। तो मेहंदी जो होती है ना वो हाथों पे लगी हुई बहुत अच्छी खूबसूरत लगती है। तो आज भी मैं एक डिज़ाइन खुद आपके लिए मैं लगवा रही हूँ, तो मैं लेकर आई हूँ। उम्मीद करूँगी कि आपको अच्छा लगेगा। तो माशाल्लाह से देखें, ये आप खुद घर में लगा सकती हैं, इतना मुश्किल नहीं है। तो आप बेहतरीन सी मेहंदी जो है घर में लगाएँ या आप पार्लर पर जाके लगाएँ। तो मेहंदी जो होती है ना वो हमारी ईद को चार चांद लगा देती है, और लड़कियाँ और ख़वातीन मेहंदी चूड़ियाँ कपड़े इनके बगैर तो हमारी ईद जो है ना बड़ी सोनी सी लगती है। तो ये हमें करना भी चाहिए, हमारा ये त्यौहार है और अल्लाह ताला ने हमारा खुशी का हमारे लिए बहुत बड़ा खुशी का दिन बनाया है। तो इसे हमें ज़रूर इन्जॉय करना चाहिए और भरपूर तरीके से करना चाहिए, क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से है हमारे लिए। और ईद पे हमारे लिए जो होता है ना मेहंदी लगाना, चूड़ियाँ लेना और शॉपिंग करना, ये हमारे लिए बहुत ही खुशी का बाइस होता है। और मेहंदी लगी हो तो हाथ बहुत आपके खूबसूरत लगते हैं, आप पाँव पे लगाएं, हाथों पे लगाएं। और मेहंदी लगाना हमारे जो है ना इसे अच्छा समझा जाता है, और पाकिस्तान में इसका बहुत ही जो है ना ट्रेंड है मेहंदी लगाने का। तो हम ईद पे, शादी पे, पार्टी पे जो मेहंदी है ना हम लगवाते हैं, और बहुत खूबसूरत लगती है। और आप देखें इस तरह आप डिज़ाइन बनाएं, हाथों पे कलाई पे बनाएं, पाँव पे लगाएं। तो मैंने इससे पहले भी एक वीडियो दी है, उसमें कम से कम 50 से ऊपर डिज़ाइन है मेहंदी के, और कलरफुल मेहंदी है, कई रंगों में मेहंदी है। तो आप उसको देख के जो भी आपको डिज़ाइन उसमें अच्छा लगे तो आप पार्लर पे जाके उस जैसी मेहंदी लगा सकती हैं। तो वो मैं आपके लिए, आपकी आसानी के लिए डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ये मैं खुद लगा रही हूँ, देखें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त मेहंदी है, और आसानी के साथ, और कोई मसला नहीं। आप अगर पार्लर नहीं जा सकते या आप मसरूफ़ हैं या घर से बाहर जाना आपके लिए मुश्किल है, तो आप इस तरह मेहंदी घर पे लगा लें। कौन जो है ना वो अच्छी होनी चाहिए, किसी ब्रांड की लें अच्छी, और मेहंदी का कलर अच्छा होना चाहिए, तो फिर खुद ब खुद जो है ना आप बहुत अच्छी सी मेहंदी लगा लेंगी। और ईद जो है उसकी खुशियाँ अल्लाह ताला आपको, हमें और जितने मुसलमान हैं सबको इंजॉय करने की तौफीक दे, और कुर्बानी करने की। और अल्लाह ताला हमारी ये कुर्बानी जो हम बकरे की करें या भेड़े की करें तो अल्लाह ताला इसको कबूल करे। तो अल्लाह ताला जी, तो जो मैंने पहले इससे वीडियो दी हुई हैं मेरे चैनल पे, आप जाके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, वो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो आपको मुख्तलिफ डिज़ाइन मिल जाएंगे मेहंदी के, आपके लिए आसानी हो जाएगी। आप उसमें से कोई भी डिज़ाइन जो आपको अच्छा लगता है सिलेक्ट करें, और पार्लर से जाके आप मेहंदी लगा लें। हम चले जाते हैं पार्लर में तो हमें समझ नहीं आती हम कौन सा डिज़ाइन बनाएं। तो आप इसमें से कोई भी डिज़ाइन जो है ना देख लें जो आपको अच्छा लगे। और इसमें कई कलरों में मेहंदी है, आप अगर कलर में लगवाना चाहते हैं जैसे ग्रीन, रेड, ब्राउन कलर, तो इस किसी भी कलर में आप जो मेहंदी है लगवा सकते हैं। तो वो आजकल बड़ा इसका ट्रेंड चला हुआ है, और पाँव पे, हाथों पे, कलाइयों पे। तो सब का जो है ना लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी आपको, आप मेरे चैनल पे विज़िट करें, आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे कलर जो हैं डिज़ाइन आपको मेहंदी के मिल जाएंगे, बहुत खूबसूरत प्यारे प्यारे डिज़ाइन आपको मिलेंगे। और आप आसानी से जाके कहीं भी पार्लर से, या अगर आप खुद लगा लेती हैं तो घर में आप खुद इसको डिज़ाइन को देखें और लगा लें। तो अल्लाह ताला आपको, हमें और जितने मुसलमान हैं, तमाम मुसलमानों को, तमाम जो हमारे देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, जो हमारे चैनल को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, अल्लाह ताला सबको ढेरों खुशियाँ ईद की नसीब करे, और इस तरह की हज़ारों ईदें अल्लाह ताला सबको दिखाए। और अल्लाह ताला आपको और हमें कुर्बानी भी करने की, और इसका अभी के लिए इतना।